स्वागत आप सभी का अपने YouTube चैनल एसके मोटिवेशन पर। तो दोस्तों हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज ज्योग्राफी का एक पार्ट पढ़ेंगे जो है दर्रे, जिसको हम बोलते हैं माउंटेन पासिस। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे नॉर्थ के जो दर्रे हैं उनसे, तो जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख से। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि दर्रे क्या होते हैं। तो दर्रे जो दो पहाड़ों के बीच का जो भी कोई प्राकृतिक जो रास्ता होता है उसको हम दर्रे बोलते हैं। तो मैं लिख देता हूँ आपके सामने, दो पहाड़ों के बीच के प्राकृतिक रास्ते को, प्राकृतिक रास्ते या प्राकृतिक मार्ग को दर्रा कहते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जो नॉर्थ के दर्रे हैं जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के दर्रे, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हम इसकी ट्रिक भी पढ़ेंगे क्योंकि आपको पता है सबसे ज्यादा सर्दी कहाँ पड़ती है, जम्मू एंड कश्मीर में पड़ती है। तो वहां पर क्या है, जो बाबा लोग होते हैं वहां पर क्या करने जाते हैं, जप करने चले जाते हैं वहां पर। तो सबसे पहले इसकी ट्रिक पढ़ेंगे, बाबा जप कर। इस बह का मतलब हो जाएगा मनियाल, मनियाल दर्रा। इसका हो जाएगा बुजिल, इसका मतलब हो जाएगा दोजिला, पै का मतलब हो जाएगा पीर पंजाल, कै का मतलब हो जाएगा काराकोरम, और इस आर का मतलब, वह का मतलब हो जाएगा रेजांगला। जो सारे दर्रे हैं ये जम्मू एंड कश्मीर में पड़ते हैं, बाकी जो ये रेजांगला है ये लद्दाख में पड़ता है, ठीक है। जो 1962 का जो भारत और पाक के बीच में जो युद्ध लड़ा गया था वो इसी दर्रे पर लड़ा गया था, ठीक है। तो उसके बाद मैं क्लियर इसको क्लियर करता हूँ बोर्ड को मैं। आई होप आपको सभी को सही दिख रही हूँ, बिल्कुल क्लियर दिख रही हूँ आपको। ठीक है, तो इसके बाद हम पढ़ेंगे जो जम्मू कश्मीर नीचे पड़ता है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के दर्रे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको बताया था कि बाबा ने वहाँ जब करने चले गए तो वहाँ ठंड ज़्यादा होती है, तो उसके कारण ठंड लग गई उनको, तो उसके बाद उन्होंने मंगा ली शराब। तो इसकी ट्रिक हो जाएगी हिमाचल प्रदेश की, इसकी ट्रिक हो जाएगी शराब। तो इसके जो सैसे हो जाएगा सिपकिला, आश हो जाएगा रोहतांग, बैस हो जाएगा बड़वाचा। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद हिमाचल प्रदेश के नीचे आ जाएंगे हम उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के पड़ेंगे, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों हम पढ़ेंगे उसके बाद उत्तराखंड के में जो दर्रे हैं उसको पढ़ेंगे हम। तो इसकी तो ट्रिक हो जाएगी, वो बाबा ने शराब पी ली, अब शराब सड़ गई बाबा का ज्यादा, तो उसको उतारने के लिए उनको दे दिया गया लेमन। तो इसकी ट्रिक हो जाएगी लेमन, ले का मतलब हो जाएगा लिपुले, मैं का मतलब हो जाएगा मानना, और एन का मतलब हो जाएगा नीति। तो ये तीनों दर्रे हो जाएंगे उत्तराखंड में जो है वो हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये नॉर्थ के जो दर्रे होते हैं ये हमारे समाप्त होते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे नॉर्थ ईस्ट वाले जो दर्रे हैं वो। तो दोस्तों ये नॉर्थ ही खत्म हो गए हैं, हम इसको हम पढ़ते हैं जो नॉर्थ ईस्ट वाले दर्रे हैं उनको पढ़ते हैं। और सबसे पहले हम सिक्किम स्टार्ट करते हैं, ठीक है स्टार्ट। तो सिक्किम से करते हैं हम सबसे पहले स्टार्ट। तो सिक्किम के लिए ट्रिक हो जाएगी कि सिक्किम से जलना, ठीक है। तो इसके दो ट्रिक हो जाएगी सिक्किम से जलना,
तो इसका मतलब इसके दो तरीके हो जाएंगे, जे से हो जाएगा जे एकला, और ना से हो जाएगा ना थुला। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद सिक्किम के बाद हम पढ़ते हैं अरुणाचल प्रदेश के लिए। तो सिक्किम के बाद हम पढ़ेंगे जो अरुणाचल प्रदेश के दो दर्रे हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में जो स्थित जो दर्रे हैं वो पढ़ेंगे। तो उसके लिए जो ट्रिक हो जाएगी वो हो जाएगी अरुण ने बो दिया। ठीक है, अरुण ने मान लो कुछ भी फसल बो दी तो आप लगा लेना कि अरुण ने बो दिया। ठीक है, ठीक हो जाएगी कि अरुण ने बो दिया। तो इसका मतलब जो बो है उससे बन जाएगा बोमडिल्ला, डी से बन जाएगा दीपू, और या से बन जाएगा यम याप। और इस यांग याप करने से ये याद रख लेना कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो भारत में तेजी से प्रवेश करती है। ठीक है, ये जो हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवेश द्वार हो जाएगा। और उसके बाद जो बोमडिल्ला है तो ये है, ये अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत की दो राजधानी लासा उससे जोड़ता है। ठीक है, तिब्बत की दो राजधानी लासा उससे जोड़ता है। ठीक है, उसके बाद एक बस्ता है हमारा, वो बस्ता लास्ट में कौन सा है, वो तो जो दर्रा जो मणिपुर में। ठीक है, बोल देता हूँ आपको, तो लास्ट दर्रा बस्ता है जो हमारा जो मणिपुर में, उसका नाम है तुजू या तुगू। ये जो पड़ता है मणिपुर में है, ये जो है दर्रा है भारत भूटान और म्यांमार के बीच में ट्राई जंक्शन का काम करता है। ठीक है, तो ये आज का हमारा टॉपिक था जो हम कंप्लीट करते हैं। तो ऐसे मजेदार टॉपिक जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल SK मोटिवेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। थैंक यू।